हाय ब्यूटीज, आई एम आभा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ दुर्गा पूजा स्पेशल बंगाली साड़ी ड्रेपिंग। और ये वाला जो साड़ी ड्रेपिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है नेटफ्लिक्स की बुलबुल से। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वाला लुक डेफिनेटली देखा होगा नेटफ्लिक्स मूवी बुलबुल में। बंगाली साड़ी ड्रेप लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। सबसे पहले आप फुटवेयर कैरी कर लीजिए, उसके बाद आप पेटीकोट एंड ब्लाउज भी कैरी कर लें। पेटीकोट में आपको वेस्ट पे ड्रॉ स्ट्रिंग की नॉट को सामने की तरफ रखना है, साइड में नहीं रखना है। इसके बाद आपको साड़ी का आखिरी हिस्सा पकड़ना है, यानी कि एंड वाला पार्ट पकड़ना है, और राइट साइड वेस्ट पे इसे टक कर देना है, जैसे हम नॉर्मल साड़ी पहनते हुए करते हैं। अब साड़ी को वेस्ट के सामने से ले जाते हुए बैक साइड पे पास कराना है और राइट साइड में पूरी साड़ी को ला करके छोड़ देना है। आप चाहो तो साड़ी को थोड़ा सा लो वेस्ट भी ड्रेप कर सकते हो, बट क्योंकि ये दुर्गा पूजा स्पेशल है और पूजा वगैरह में लो वेस्ट साड़ी थोड़ी सी ऑड लगती है, इसलिए नॉर्मली आप ड्रेप कर सकते हैं वेस्ट पर। अब साड़ी को आप वेस्ट पे अच्छे से टक कर लीजिए चारों तरफ से। आप चाहो तो इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर भी कर सकते हो। इसके बाद हम पल्लू बनाएंगे और सामने की प्लीट्स रेडी करेंगे। मेरी ये साड़ी बुलबुल लुक से इंस्पायर्ड है। इसमें एक साइड में पतला बॉर्डर है और एक साइड में ब्रॉड बॉर्डर है, तो मैं इसे अभी रफली पल्लू बना रही हूँ। आपको इस तरीके से रफ प्लीट्स बना लेनी है और इसे हम बाद में फिनिश करेंगे। सारी प्लीट्स को आप एक बराबर कर लो और इसे शोल्डर पर प्लेस कर दो। आपको आपका पल्लू लेफ्ट शोल्डर पर प्लेस करना है और सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लीजिए। पल्लू की लेंथ आपको बिल्कुल फ्लोर टचिंग रखनी है, थोड़ी ज़्यादा भी आप रख सकते हो, जैसे कि आपकी साड़ी की लेंथ हो। जितनी ज़्यादा खूबसूरत ये साड़ी ड्रेपिंग लगती है उतनी ही ज़्यादा आसान भी है। मैंने ऑलरेडी आपको एक ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। तो अब हम साड़ी में बनाएंगे सामने की प्लीट्स, और ये जितना भी कपड़ा आपको आगे दिख रहा है एक्स्ट्रा, इनसे हम चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाएंगे, यानी बड़ी प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स या तो एक बनेंगी या तो दो बनेंगी। अब आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए कपड़े को राइट साइड में ले जाके टक कर देना है, और राइट साइड से वापस से कपड़े को ले जा करके लेफ्ट साइड में टक कर देना है। इस तरीके से आपकी साड़ी में एक या फिर दो प्लीट्स ही क्रिएट होंगी। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी साड़ी लेंथ पर एंड आपके वेस्ट साइज पर। इसके बाद आप प्लीट्स को अच्छे से टक इन कर लीजिए और दोनों साइड से फिनिश कर लीजिए। अब हम साड़ी के पल्लू को फिनिश करने जा रहे हैं, तो सामने पल्लू का ये जो अंदर वाला छोटा हिस्सा है इसे आपको कुछ ऐसे पकड़ना है और बैक साइड पे ला करके रफली टक कर लेना है। इसे बाद में हम फिनिश कर लेंगे और सेफ्टी पिन से सिक्योर भी करेंगे। इसके बाद साड़ी में फ्रंट साइड का ये जितना भी हिस्सा है इसे आप अच्छे से अरेंज कर लीजिए बस्ट पे। आप प्लीट भी बना सकते हो, आप रफली भी छोड़ सकते हो। पिक्चर में जैसा विजिबल है बुलबुल ने ब्रॉड प्लीट्स कैरी करी हुई है शोल्डर पे, तो मैं साड़ी का बाहर वाला बॉर्डर पकड़ करके बड़े बड़े प्लीट्स बना रही हूँ, ब्रॉड प्लीट्स बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से प्लीट्स को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जैसा लुक चाहिए था उसमें ब्रॉड प्लीट्स थी। इस तरीके से आपको प्लीट्स बनाना है। बॉर्डर को पकड़ करके अगर आप प्लीट्स बनाएंगे ना तो अच्छे से प्लीट्स आपकी बन जाएंगी, तीन या फिर चार प्लीट्स ही क्रिएट होंगी। अब आप सारी प्लीट्स को पकड़ करके अंदर से बाहर तरफ की जितनी भी प्लीट्स आपकी बन रही हैं उनको अच्छे से पकड़ लीजिए, अरेंज कर लीजिए, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए हाथ से। सिल्की साड़ी है तो आपकी आराम से साड़ी प्रेस हो जाएगी, हाथ से ही प्रेस हो जाएगी, और उसे आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए, जिससे कि जो प्लीट्स हैं वो मैसी नहीं होंगे, आगे पीछे भागेंगे नहीं। मैं इसी तरीके से प्लीट्स को प्रेस कर लेती हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप आयरन बोर्ड पर रख के आयरन भी कर सकते हैं प्लीट्स को इक्वल करने के लिए। अब साड़ी को हम फिनिश करेंगे, तो शोल्डर पे पल्लू को आप सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लें। पल्लू का अंदर वाला हिस्सा जो था उसे आपको वापस से निकालना है और अच्छे तरीके से प्लीट्स को फिनिश करते हुए इसे बैक साइड में ले जा करके टक इन कर देना है। आप चाहो तो सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर भी कर सकते हो। तो पिक्चर में ये प्लीट्स थोड़ी सी रफ दिख रही थी और मैं भी बस रफ लुक ही दे रही हूँ। सामने वाला जो बॉर्डर है उसे आपको कुछ इस तरीके से फिनिश कर लेना है बंगाली साड़ी लुक देने के लिए। आप बैठ करके स्टूल पे अच्छे से इसे फिनिश कर सकते हैं। बंगाली साड़ी का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है उसका पल्लू। तो अब हम साड़ी को फिनिश कर रहे हैं और हम लास्ट स्टेप पे हैं। साड़ी के पल्लू को आपको बैक साइड से राइट साइड की तरफ में फ्रंट में लेकर के आना है, और ये पल्लू का जो आखिरी हिस्सा है उसका फर्स्ट कॉर्नर यानी कि एज, ऊपर वाली एज को आपको पकड़ना है, कुछ इस तरीके से उसे फिनिश करना है एंड थोड़ा सा ट्विस्ट करना है पल्लू को।
तरह से कुछ रफ लुक देना है आपके पल्लू के कॉर्नर को और फिर आपको इसे आपके राइट साइड के शोल्डर पर प्लेस कर देना है। यहाँ मैंने पल्लू के साथ में एक हैंगिंग को भी टक कर दिया है और ये हैंगिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आप चाबी का चल्ला भी कैरी कर सकते हो, आप चाहो तो कोई ब्रोच भी कैरी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली इसे पीछे ले जा करके एक सेफ्टी पिन से बस इसे सिक्योर भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट। अब आप साड़ी को फ्रंट एंड बैक साइड से एक बार चेक करके फिनिश कर लीजिए एंड योर साड़ी ड्रेपिंग इज रेडी। नाउ अब मैं सेम लुक क्रिएट करने के लिए इस तरह की गोल्ड इयररिंग कैरी कर रही हूँ। फ्रंट पे मैंने बालों को कुछ इस तरह से ट्विस्ट किया है, बैक में ले जा करके इसे बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया है। सामने के बालों को आपको पार्टिंग करके डिवाइड करना है और थोड़ा सा लूज रखना है बालों को, तो आपका ऑलमोस्ट वैसा ही लुक आ जाएगा जैसे कि तृप्ति का बुलबुल लुक में था। ओके, तो अब सिमिलर लुक के लिए मैंने पर्पल कलर का एक बोटनेक वाला ब्लाउज कैरी किया हुआ है, ब्रॉड बिंदी है, मेकअप लाइट है, लाइट लिपस्टिक है एंड स्मोकी काजल आईल लुक भी है, गोल्ड नेकलेस कैरी कर लिया हुआ है एंड बैंगल्स भी कैरी करी हुई है। अगर आप मैरिड हैं तो माथे पे सिंदूर लगाएं और हाथों में शाखा पुला पहन लें। हाथों में कुमकुम और बालों को आपको खुला रखना है एंड दैट्स इट। गाइज एंड फर्स्ट टाइम मैंने कोई बंगाली लुक का रिक्रिएशन किया और मुझे बहुत मजा आया। और आपको ये लुक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन और अगर यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें विद द बेल आइकन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।